नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू यूजी 2023 एडमिशन अपना फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के साथ कंप्लीट कर चुका है। अब बच्चों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका एडमिशन फाइनली बीएचयू में हो चुका है या अभी कुछ और प्रोसीजर भी बाकी है। अब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये वीडियो आप सभी लोग देख लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ काउंसलिंग के टाइम पे आपको अपडेटेड रहना बेहद ज़रूरी है। थोड़ी सी चूक करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा। सो फाइनली स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। उसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कॉमेंट्स करिए और हमारे सोशल मीडिया पर जाके अपना पॉइंट रख सकते हो, आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इस बार का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो 2022 से अलग है, और मैं अपने टाइम की बात करूं तो हम लोग से तो बेहद अलग है, क्योंकि हम लोग अपने टाइम पे ऑफलाइन काउंसलिंग कराते थे। ऑनलाइन हुआ और ऑनलाइन में भी 2023 का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो एकदम अपडेटेड और एक न्यू पैटर्न पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपके साथ रखा गया है, जिसमें बहुत सारी ग्लिचेज आ रही हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, किसी का पोर्टल गायब हो गया, किसी का पेमेंट रुक गया, किसी को मेल नहीं आया, तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि 90% ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, और कम से कम इतनी लंबी सांस तो ले सकोगे कि चलो हमारे एडमिशन कंफर्म तो हो रहा है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं, तो कम से कम आप परेशान तो नहीं होगे ना, पैनिक तो नहीं होगे ना। सो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें, लाइक जरूर करिएगा, और मेरे वीडियोज को प्लीज़ देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ, मैं इतना ऑफिशियल लेवल पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको एकदम सही सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और हर बच्चों तक पहुँच नहीं पा रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बच्चों के मिस हो जाते हैं, जैसे इस वीडियो में जो बताऊंगा वो पक्का जो नहीं देखेगा उसका मिस हो जाएगा। और बहुत जल्द मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बीएचयू एडमिशन कमेटी के साथ एक इंटरव्यू करूँ और वो इंटरव्यू आप तक पहुँचाया जाए, जिससे हर कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो सके। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने ग्रुप्स और अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। एक पॉइंट यहाँ पे समझो कि 2023 के एडमिशन कैसे अलग हो रहे हैं इस बार, ठीक है? क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि आप सभी को एक ही बार में अलॉटमेंट भेज दिया गया, FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और BHU के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज थे उनके, और MMB इंटीग्रेटेड कॉलेज। ये 2022 में नहीं हुआ था। आपके जो भी राउंड्स चलते थे वो पहले FMC में चलते थे, फिर पेड राउंड चलते थे, फिर MMB के पेड राउंड चलते थे, फिर एफिलेटेड के रेगुलर और पेड राउंड चलते थे। बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन 2023 में सबको एक ही दिन में पेमेंट भेज दिया गया। जिसका छूट गया उसका एडमिशन भी दोबारा नहीं मिलने की उम्मीद दिख रही है। अब सीधे उनकी एडमिशन किस में मिलेंगे, अब उनको मॉपअप राउंड में ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन ये सब जो डिस्कशन है वो मैं किसी और वीडियो में करूंगा। अभी का जो डिस्कशन है वो क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो गया, क्योंकि हजारों बच्चों ने, इवन बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने इस दिए गए पूरे सीट पे पेमेंट कर दिया है। वो एग्जैक्ट परसेंटेज मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो चुका है। आप एडमिशन पोर्टल का पहला डैशबोर्ड देख रहे हो, सभी को ऐसे ही नजर आ रहा होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। उसके बाद नीचे कोर्स में काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ यहां पे एक ऑप्शन और यहां पे एक ऑप्शन मिसिंग है। ध्यान देना कि जिनका एडमिशन हो गया उनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं इस वाले का बात करूं यानी स्टेप 3 का बात करूं, इस वाले का जो यहां पर आपको दिख रहा है, तो इसमें यह दिख रहा होगा कोर्स अलोकेशन। यही कोर्स अलोकेशन बच्चों का मिस हो जा रहा है। ये आपकी समस्या नहीं है, ये टेक्निकल इश्यूज है, ग्लिचेज है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या है। आपने पेमेंट करा, ठीक है, और आपको यहां पे एक पेमेंट आईडी मिली। मैं यहां पे अरेंज कर दिया हूं, ये पेमेंट आईडी है, ये पेमेंट आईडी मिली है, आपने कमिटमेंट फी पे कर दी है, तो आपका एडमिशन हो गया है। लेकिन फिर भी कैसे पता चलेगा कि एडमिशन हो गया, इसकी भी हम लोग पूरी कंफर्मेशन देख लेते हैं। आप यहां पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करो, यही एप्लीकेशन स्टेटस है जो आपके पेमेंट के बाद एडमिशन कमेटी जो सेकंड कमेटी को भेज रही है, यानी जो फैकल्टी और डिपार्टमेंट बैठा हुआ है आपके रिव्यू के लिए, वो यहां पे वेरीफाइड एंड फाउंड एलिजिबल चेक कर रही है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है फाउंड, फाउंडेड यानी मिल गया, और फाउंड एलिजिबल, ये इसके योग्य हैं, तो इसका मतलब आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब कुछ समस्याएं आ रही होंगी, सर हमें मेल किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपका ओल्ड है, नया वाला दो।
आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, दूसरा डॉक्यूमेंट दो, ऐसा आ रहा होगा मेल। इसका सोल्यूशन बताता हूं, वो एज अ रिमार्क मेल है, आपको रिमार्क किया जा रहा है भाई, आपको रिमार्क किया जा रहा है कि आप वो डॉक्यूमेंट भी इन्हें दे दो, लेकिन आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड एंड फाउंड एलिजिबल, ये लिखा हुआ है तो आपको एडमिशन मिलने जा रहा है। अब इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना है, क्योंकि आपका अभी बस एक ही सब्जेक्ट तय हुआ है। आपको पता है आप अभी बस ऑनर सब्जेक्ट पे विजय हासिल किए हो, बचे हुए सब्जेक्ट अंधेरे में है, और एडमिनिस्ट्रेशन अभी इसका फर्दर कोई अपडेट नहीं दिया है कि वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। उसका तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि ये चीजें पता चले कि फाइनली बचे हुए सब्जेक्ट जो है हमें कब ऑफर किए जाएंगे और बचा हुआ अमाउंट जो है वो कब लिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि आपके एडमिशन की लगभग 90% पॉसिबिलिटी जहां कंप्लीट हो चुकी है, और ये वाला चीज लिख गया तो आपका एडमिशन हो गया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे ऑफलाइन एज अ वेरिफिकेशन के तौर पे लिया जाएगा। जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग से डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मांगा जाता है, जैसे टीसी, सीसी, 12वीं के जेरॉक्स कॉपी, आपके कैरेक्टर के और आपके रिजर्वेशन के, ये सब मांगा जाता है ना, ये सब आपसे ऑफलाइन मांगा जाएगा। आपके डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा वहां के ऑफिस में, इसमें एक लंबा वक्त है अभी, वो मैं बताऊंगा कब सबमिट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट के जीरोक्स कॉपी लेके आकर सबमिट करनी है। अभी तो बहुत सारा काम है, अभी डोजियर भरना है, एंटी रैगिंग भरनी है, लेकिन अभी फिलहाल में आपके एडमिशन की अगर मैं आपकी जानकारी दे दूं तो आप अगर इस तरीके का लिखा हुआ पाते हो तो आपके एडमिशन यहां पे होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पोर्टल गायब हो जा रहा है, आप समझ गए, ये गायब अक्सर देखोगे रात में होता है और सुबह 11 बजे जनरली आ जाता है। ये टेक्निकल ग्लिचेज है, ये गायब हो रहा है लेकिन ये आ जाएगा। कमेटी मेंबर के पास इसका रियल विजुअल रहता है, बस हम लोग के पोर्टल पे यानी जनरल विजुअल जो है स्टूडेंट पोर्टल पे गायब हो रहा है। ये कुछ राउंड्स के ग्लिचेज हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल इशूज हो सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिशन्स पे काम कर रही है। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स मैं कल, यानी जब वीडियो देख रहे हो तो आज आफ्टरनून में कंट्रोलर के सामने ये बातें मैं रख दूंगा कि सर ये दो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, इस टाइम के है, इतने बजे पोर्टल गायब हो जाता है, प्लीज इसका समाधान निकालें जिससे बच्चे पैनिक ना हो, ये मेरी गारंटी है। ये मैं जरूर वहां बात रखूंगा, आज के दिन रख दूंगा। बाकी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, आप मेरे वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हाँ, इस वीडियो के साथ जिनका जिनका एडमिशन हो गया उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एडमिशन के बाद इस बगिया में आने से पहले आप लोग पूरी कोशिश कीजिए, इस शहर में आ रहे हो, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करें, उन्हें मिठाई खिलाएं। और हाँ, इतना ही नहीं, मैं आपकी तरफ से भी एडमिशन लिए गए जितने बच्चे हैं, क्योंकि फाइनली आपको पता चल गया किनका किनका एडमिशन हो चुका है, तो आप लोग की तरफ से मैं हनुमान जी को मिठाई जरूर चढ़ा दूंगा। कमेंट में मैं आपके लिए बकायदा एक पेमेंट डिटेल दे रखा है, आप अपनी तरफ से भी लड्डू चढ़ाना चाहते हैं तो आप वहां से पेमेंट करिए, मैं आपके नाम से भी लड्डू जरूर चढ़ाऊंगा। सो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं जिनको एडमिशन मिलने जा रहा है, बहुत सारा आशीर्वाद है, आप अच्छा करो, अपना स्वर्णिम भविष्य का इतिहास रचो, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है डटे रहना, आगे आपके लिए फिर से ऑप्शन मिलेंगे, सुनहरा मौका मिलेगा, अपनी असफलताओं से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं और एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।